एक कहानी ऐसी भी, हमारी नई श्रृंखला जिसे आप सुन रहे हैं 90.4 CMS कम्युनिटी रेडियो पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 90.4 सिटी मोंटेसरी स्कूल सामुदायिक रेडियो स्टेशन पर। मैं हूं आपकी दोस्त और इस कार्यक्रम की होस्ट सोमा। दोस्तों, ऐसी कई बीमारी है जिनसे बचाव तो है लेकिन कोई इलाज नहीं। जी हाँ, आज हम ऐसी ही एक बीमारी के बारे में आपको बताएंगे, एक कहानी ऐसी भी। जी हाँ, यही नाम है हमारे इस कार्यक्रम का जिसे आप सुन रहे हैं 90.4 CMS कम्युनिटी रेडियो पर। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इस कार्यक्रम के आखिर में हम प्रोग्राम से संबंधित एक प्रश्न पूछेंगे। जी हाँ, एक सवाल करेंगे और जो भी इस सवाल का सही जवाब बताएगा उसको एक उपहार भी मिलेगा। तो हमारे साथ इस पूरे प्रोग्राम में जुड़े रहिए। हाँ, तो हम कहाँ थे? ये मच्छर, भिन्न करने वाले ये मच्छर कितने खतरनाक हो सकते हैं। इन मच्छरों से होने वाली सबसे खतरनाक बीमारी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये बीमारी का नाम है फाइलेरिया। कुछ याद आया? तो चलिए अपनी कम्युनिटी में जाते हैं और लोगों से पूछते हैं कि फाइलेरिया से आप क्या समझते हैं। जी हाँ, फाइलेरिया है क्या? क्या नाम है आपका? रंजना। रंजना, फाइलेरिया क्या होता है आपको पता है? नहीं मैम, मुझे नहीं पता है ये क्या होता है। आपका क्या नाम है? कुसुम। कुसुम, ये फाइलेरिया रोग आपने सुना है? जी, शायद कोई बीमारी है। आपका नाम क्या है? मदन सिंह बिष्ट। मदन जी, आपने फाइलेरिया पहले सुना हुआ है नाम? हाँ, पहले से सुना हुआ है। है क्या ये? एक बीमारी है। जी बिल्कुल, बीमारी ही है जिसे दूसरी भाषा में हाथी पांव भी कहते हैं। अब तो पक्का याद आ गया होगा, है ना? आपने कभी ना कभी तो देखा ही होगा, सुना ही होगा किसी का कोई एक पैर फूला हुआ है, क्योंकि फाइलेरिया अमूमन पैर में ही होती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ पैर में ही हो, ये बीमारी हर लटकते हुए अंग में हो सकती है, जैसे कि स्तन, पुरुष के अंडकोश, पैर या हाथ। एक बार ये बीमारी किसी व्यक्ति को हो गई तो इसके लक्षण 12 से 15 साल, जी हाँ 12 से 15 साल के बाद दिखाई देते हैं। तब तक इसके विषाणु व्यक्ति के अंदर इतने फैल जाते हैं जिन्हें मिटाना नामुमकिन होता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका रखरखाव करके इसको रोका तो जा सकता है लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता। इस बीमारी के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आइए सुनते हैं कालाजार और फाइलेरिया प्रोग्राम के संयुक्त निदेशक डॉक्टर विंदु प्रकाश जी को। फाइलेरिया को आम लोग हाथी पांव के नाम से जानते हैं और यह बीमारी क्यूलेक्स नामक मच्छर के काटने से एक बीमार व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में फैलती है। यह कृमि रूपी धागे नुमा कीड़े होते हैं जो कि बड़े होकर के हमारे लसिका तंत्र या लिम्फेटिक्स को डैमेज करते हैं, जिसके कारण इसके सारे लक्षण उत्पन्न होते हैं। अधिकांशतः प्रारंभ में इसमें किसी प्रकार के कोई लक्षण नहीं होते हैं, व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ दिखता है, जबकि उसके शरीर में इसके कीड़े या जिनको माइक्रोफाइलेरिया कहते हैं वो पनप रहे होते हैं, और यह बीमारी 5 से 15 साल बाद दिखाई देती है। अक्सर यह पाँव में सूजन, जिसको हम हाथी पाँव के नाम से जानते हैं, या पुरुषों में अंडकोश में सूजन जिसको हाइड्रोसील कहते हैं, महिलाओं में भी ये स्तन की सूजन के रूप में आ सकता है, या किसी भी प्रभावित अंग में ये सूजन के रूप में दिखाई देता है। इन लक्षणों के अतिरिक्त दो और ऐसे लक्षण हैं जो आमतौर पर देखने में आते हैं। कई बार लोगों को पेशाब में सफ़ेद रंग का द्रव जाता है जिसको हम काइल्यूरिया कहते हैं, लोग अक्सर इसको धातु रोग के साथ कन्फ्यूज़ कर जाते हैं।
जबकि वह भी फाइलेरिया के कारण ही रोग होता है और फाइलेरिया की दवा से वो पूरी तरह से लोग स्वस्थ हो सकते हैं और बीमारी ठीक हो सकती है। दूसरा है, यदि किसी को बड़े लंबे समय से खांसी आ रही है जिसको हम ट्रॉपिकल स्नोफीलिया के नाम से जानते हैं, तो वह भी फाइलेरिया से ही होती है और वह बीमारी भी इन दवाइयों से पूरी तरह से ठीक हो सकती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह दीर्घकालिक विकलांगता का विश्व का सबसे दूसरा प्रमुख कारण है और इसका कोई इलाज नहीं है। जी सर, आपने फाइलेरिया रोग के बारे में तो हमें काफी जानकारी दे दी, अब इसके बचाव के बारे में भी हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को जानकारी दें। जिस प्रकार पोलियो से विकलांग होने के बाद व्यक्ति कभी भी जीवन में पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो सकता था, उसी प्रकार फाइलेरिया रोग से ग्रस्त होने के बाद जब ये लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं तो व्यक्ति कभी भी पूर्व की भांति नॉर्मल नहीं हो पाता है। अतः बचाव ही इसका एकमात्र तरीका है जिससे कि हम इस बीमारी से बचे रह सकते हैं। और बचाव के लिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत जो हमारे फाइलेरिया के 51 जनपद एंडेमिक हैं उनमें मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कार्यक्रम चलाया जाता है। इस कार्यक्रम के लिए प्रत्येक जनपद में वर्ष में एक बार हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर के लोगों को यह दवाएं अपने सामने मुफ्त सेवन कराते हैं। इन दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किंतु इनका लेना आवश्यक है क्योंकि ये इन कृमियों को पूरी तरह से नष्ट कर देती है, जिससे कि इस बीमारी के होने की सारी संभावनाएँ खत्म हो जाती हैं। यदि कोई व्यक्ति इन दवाइयों का सेवन नहीं करता है तो उसको भविष्य में इस बीमारी के होने का खतरा हो सकता है। अतः आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि जब भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता आपके घर आए तो आप फाइलेरिया से संबंधित दवा का सेवन अवश्य करें। इसके अतिरिक्त यह भी बताना नितांत आवश्यक है, फाइलेरिया मच्छर जनित रोग है, इसलिए यह जानना आवश्यक है कि जो भी हमारे समाज में इस बीमारी से ग्रस्त रोगी हैं उनके साथ भेदभाव करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कोई छुआछूत की बीमारी ही नहीं है और यह एक दूसरे से ऐसे नहीं फैलती है। या जब भी जहाँ भी मच्छर जनित परिस्थितियाँ होंगी, जब मच्छर किसी बीमार व्यक्ति को काट के स्वस्थ व्यक्ति को काटता है, तभी ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे को फैलती है। ऐसे में आप उन लोगों के साथ मिलजुल करके रहें, कहीं किसी को कोई समस्या नहीं, उन्हें पूरा प्रेम और सद्भाव दें जिससे कि वो भी आपके समाज के एक अंग और आपके साथ मिलजुल के उनका भी विकास हो सके। तो ये तो थे कालाजार और फाइलेरिया प्रोग्राम के संयुक्त निदेशक डॉक्टर विंदु प्रकाश जी। अब तक तो आप फाइलेरिया की गंभीरता को समझ ही गए होंगे कि अगर एक बार ये बीमारी हो गई तो इसकी कोई वापसी नहीं है। फाइलेरिया से पीड़ित लोगों को न सिर्फ सामाजिक भेदभाव झेलना पड़ता है, बल्कि कई ऐसे रोगी भी हैं जिन्हें सामाजिक बहिष्कार भी झेलना पड़ा। फाइलेरिया के मरीजों को आत्मनिर्भर और एक दूसरे का सहारा बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग CFAR संस्था यानी सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च मिलकर कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश के 10 जिलों के 20 ब्लॉक में फाइलेरिया मरीजों के ही लगभग 44 पेशेंट सपोर्ट ग्रुप बनाए गए हैं, जिसमें 513 फाइलेरिया मरीज आपस में जुड़कर फाइलेरिया के प्रति जागरूकता का कार्य कर रहे हैं। अब ये ग्रुप कैसे काम कर रहा है और मरीजों को इनसे क्या फायदा हो रहा है, इस बारे में हमने बात की साईं बाबा फाइलेरिया उन्मूलन समिति इंदौराबाद के जय किरण जी से। कई मरीजों को एकत्रित करके यह समूह बनाया जाता है। जहाँ पहले इस बीमारी से अकेले लड़ाई लड़ रहे थे हम लोग, अब समूह के माध्यम से मरीज आपस में ही एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और करते भी हैं। कुछ छुपे हुए मरीज भी देखो गांव में रहते हैं, जैसे कि वो सोचते रहते हैं कि हम इस चीज़ को अगर बताएंगे तो लोग हमें अपने पास बैठने आने जाने नहीं देंगे, ये छूत वाली बीमारी है। जो इस तरीके से करते हैं वो समझते हैं कि ये सामाजिक भेदभाव, डर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। और समूह के लोगों के माध्यम से जी ही उन तक पहुंच बनाकर उनको भी समूह का हिस्सा बनाया जा सकता है। और बीमारी से रोकथाम के लिए जब किसी को दवाई चाहिए, और जैसे
अपने प्रभावित अंगों की देख रेख सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस तरह की बातों का ध्यान समूह के माध्यम से मरीज खुद करते रहते हैं। और समूहों में जुड़ने के बाद हम अपने जैसे बाकी लोगों को सही इकाई और इलाज तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। बाकी समूह की वजह से अब कोई भी मरीज अपने आप को अकेला नहीं पाता है। तो अगर हम लोग आपस में ऐसा करते रहेंगे तभी ऐसा हो पाएगा जो समस्या आज हम लोगों को है, ठीक, जिस बीमारी से हम लोग झेल रहे हैं, तो समूह के माध्यम से एक दूसरे की मदद करके और इसको ख़त्म किया जा सकता है। तो आने वाले समय में किसी को इस बीमारी से का सामना न करना पड़े और हम लोग स्वस्थ और अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। तो सुना आपने, जहां एक ओर फाइलेरिया लाइलाज बीमारी है, वहीं इसके रख रखाव और बचाव को लेकर PSG ग्रुप यानी फाइलेरिया रोगी नेटवर्क बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं। अब तो बारी है आज के सवाल की। अब पता तो चले आपने हमारे कार्यक्रम को कितने अच्छे से सुना। जी हाँ, अगर सवाल पूछा जा रहा है तो इसका जवाब देने वाले को इनाम भी मिलेगा। ध्यान से सुनिए आज का सवाल। फाइलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? जी हाँ, कौन सा ऐसा मच्छर है जो अगर काट ले तो फाइलेरिया होता है? आप अपने जवाब और संदेश, नंबर पहले आपको बता दे, नंबर है 6389099888। इस नंबर को आप सेव कर लीजिए, व्हाट्सएप पर ही आपको भेजना है इसका आंसर। इसका उत्तर आपको व्हाट्सएप पर ही भेजना है। सवाल है, फाइलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? तो व्हाट्सएप पर सबसे पहले आप अपना नाम लिखिए, उसके बाद नीचे वाली लाइन पर पूरा पता साफ साफ लिखिए, उसके बाद लिखिए अपना जवाब और भेज दीजिए किस नंबर पर, 6389099888 6389099888 इस नंबर पर भेज दीजिए व्हाट्सएप पर। सवाल फिर से बता दे, फाइलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? तो उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम एक कहानी ऐसी भी जरूर पसंद आई होगी। हमारा ये आज का पहला एपिसोड है, जहां एक कहानी ऐसी भी की पहली कड़ी है। फाइलेरिया के ऊपर हर शनिवार इसी समय हम आपके लिए और भी कार्यक्रम लेकर आएंगे और हर बार कोई ना कोई सवाल भी होगा जिसका जवाब देने वाले को मिलेगा एक इनाम। आप हमारा ये कार्यक्रम CFAR YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं, साथ ही साथ सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ के YouTube चैनल पर भी आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं। टाइप कीजिएगा एक कहानी ऐसी भी और फाइलेरिया। एक कहानी ऐसी भी, फाइलेरिया रोग पर 90.4 CMS कम्युनिटी रेडियो की विशेष प्रस्तुति एक कहानी ऐसी भी। मनोरंजन, संगीत, शिक्षा और काम की बातें जन जन तक पहुंचा।